आज का ये जो टॉपिक है ये स्पेशली मैंने यंगस्टर्स के लिए मैं बना रहा हूँ, ऐसे यंगस्टर जिन्होंने अभी जिम जाना शुरू किया हुआ है या ऑलरेडी जो जिमिंग कर रहे हैं। जिम में यंगस्टर्स सबसे ज़्यादा अपने आसपास के सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये मैं ईगो लिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये प्रोटीन सप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। आजकल के टाइम में जिम में जो यंग लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं, वो आई मीन गाजर मूली की तरह ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिसमें सबसे ऊपर वे प्रोटीन पाउडर आता है, देन आपका क्रेटीन है, देन आपका BCAA है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोस्टली आपको ये या तो आपके आसपास के जिम ट्रेनर सजेस्ट करते हैं, या हम किसी यूट्यूब में या सोशल मीडिया में किसी बॉडी बिल्डर को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, और कभी कभी वो बॉडी बिल्डर खुद उस ब्रांड को एंडोर्स कर रहा होता है तो हम उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। बट मैं आप सबको हाथ जोड़ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब ये चीज़ खाते हो तो आप सिर्फ प्रोटीन नहीं ले रहे हो अपने बॉडी के अंदर, आप प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारे हैवी मेटल्स, केमिकल्स, आप बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ले रहे हो, बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर ले रहे हो, जिससे आपको शॉर्ट टर्म में तो आपको मसल गेन दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको कंटिन्यूसली अगर आप लेते रहते हो तो उससे आपके काफ़ी हेल्थ इश्यूज और स्पेशली किडनी पे इफेक्ट होने के चांसेस हैं। तो ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना तो आप इसको समझ पाओगे। एक चीज़ आप लोग समझो, जब ये प्रोटीन कंपनीज बनाती है वो डायरेक्टली हमारे घर पे नहीं आता है, या हम डायरेक्टली उसे खाते नहीं है, कंपनीज़ उसे स्टोर करने के लिए, उसे प्रिजर्व करने के लिए, बिकॉज दूध के प्रोडक्ट काफ़ी जल्दी ख़राब होते हैं, तो या इसमें इन्होंने जितना भी दूध का कंटेंट है डाला है तो उस दूध को प्रिजर्व करने के लिए इनको काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिससे ये प्रोडक्ट का जो लाइफ स्पैन है वो 1 से 1.5 साल तक चलता है। नहीं तो आपका मिल्क प्रोडक्ट, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट अगर नेचुरल वे से बना होगा तो इतने लंबे समय तक वो नहीं चल सकता है, उसे ख़राब होना ही है। सेकेंड बात, कोई भी आप फ्लेवर्ड प्रोटीन पाउडर देखते हो, जैसे चॉकलेट फ्लेवर हो गया या कोई भी फ्लेवर हो गया, स्वीटनर जिसमें रहता है, तो उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ किया जाता है। अगर आप उसके पीछे देखोगे लेबल के पीछे, तो उसमें सुक्रालोस है जो कॉमनली बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती है। वेल, सुक्रालोस क्या है? सुक्रालोस एक नॉर्मल शुगर जो हम खाते हैं घर पे, उससे 500 टाइम ज़्यादा स्वीट होता है। इसको केमिकली बनाया जाता है, और इसका अगर आप केमिकल कंपोजिशन देखोगे तो उसमें क्लोरीन भी इन्वॉल्व है, क्लोरीन जिससे स्विमिंग पूल साफ़ किया जाता है। तो आप समझ सकते हो आपके सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा वो हानिकारक है लॉन्ग टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म आप इसका इफेक्ट देखोगे तो लोगों को आजकल ये जो लेते हैं प्रोटीन डेली बेसिस पे, उनको सर दर्द की काफ़ी शिकायत रहती है, किसी किसी को हैवी सर दर्द की भी शिकायत होती है, तो ये सारा चीज़ देखने में मिला हुआ है। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप कोई फ्रूट फ्लेवर्ड प्रोटीन यूज़ करते हो, जैसे पाइनएप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, या बनाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसमें फ्रूट का कोई नामो निशान नहीं होता है दूर दूर तक। इसमें ये लोग डाइज ऐड करते हैं, जिससे आपके जो प्रोटीन पाउडर है उसमें आर्टिफिशियल कलर्स आते हैं, और ये डाय जो रहता है हमारे पेट के लिए काफ़ी हार्मफुल रहते हैं, बिकॉज उन्हें भी उससे एक चीपर से चीपर वे में डिज़ाइन करके आप तक पहुँचाना रहता है। तो आप ये बात समझो कि एट दी एंड वो हमारे मुंह से हमारे पेट पे जाएगा, और हमारे पेट को क्या कुछ नहीं सहना पड़ता है ये सब खा के, और हर एक इंसान उतना इम्यून नहीं है कि इसे डेली बेसिस पे वो झेल सके। कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पे आपको लगेगा कि अब मेरा पेट काम नहीं कर रहा है। बहुत लोगों को इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होता है कि बहुत लोग को डायरिया जो है, रेगुलर डायरिया का ये रहता है, मतलब जैसे ही उन लोग खाना खाते उन्हें तुरंत बाथरूम भागना पड़ता है, बहुत सारे इश्यूज़ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को आप अवॉइड करो और इसका एक सब्स्टिट्यूट आप ढूंढो, बिकॉज शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए आप लॉन्ग टर्म हेल्थ का नुकसान मत करो। तो अगर आप ऐसे सप्लीमेंट्स, स्पेशली क्योंकि ज़्यादा लोग आजकल वे प्रोटीन कंज्यूम करते हो, इसे आप अगर लॉन्ग टर्म में खाते रहते हो तो इस पर सबसे ज़्यादा असर आपके किडनी पे पड़ सकता है। क्यों? बिकॉज इन शॉर्ट किडनी क्या करता है, किडनी हमारे ब्लड को, हमारे खून को साफ रखता है ऐसे गंदगियों से, ऐसे इम्प्योरिटीज़ से जो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, और वो वाया पेशाब या वाया यूरिन से उस चीज़ को पास कर देता है बाहर। और जब हम ऐसे पाउडर्स कंज्यूम करते हैं तो हमारा किडनी का फिल्ट्रेशन जो काम है, वर्कलोड है, वो 30% से ज़्यादा बढ़ जाता है। और मतलब प्रोटीन तो आपकी बॉडी कंज्यूम कर लेती है उस पाउडर से, बट प्रोटीन के अलावा जो वेस्ट रहता है उसे किडनी को साफ करके बाहर भेजना रहता है। तो अगर डेली बेसिस पे ऐसा लोड उस पर अगर डेली बेसिस पे आते रहेगा तो इन शॉर्ट कभी ना कभी वो इफेक्ट बॉडी पे आना ही है।
बिकॉज एट दी एंड किडनी भी क्या है, एक सिस्टम है आपके बॉडी के अंदर जो आपके बॉडी के फंक्शनिंग को जो है वो चलाती रहती है। पहले जो बॉडी बिल्डर्स रहते हैं, जो एथलीट्स रहते हैं जिन्हें कॉम्पिटिशन में उतरना रहता है, उन्हें ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें पता होती है, बट उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है तो उन्हें ये सारा चीज़ कंज्यूम करना ही पड़ता है। बट अगर आप एज अ कॉमन मैन देखते हुए चीज़, तो हमें ये सब चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें कॉम्पिटिशन में नहीं जाना है, तो हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं और इससे इसके इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं ताकि हमें हेल्थी तरह से चीज़ मिलती भी रहे और हमारी बॉडी जो है वो फिट भी बने रहे। पहले इस वीडियो के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग आपका फीडबैक ज़रूर शेयर करो। आप कमेंट करके बता सकते हो कि इस ऐसा अगर आपके साथ कोई किस्सा हुआ है पास्ट में, या अगर आप इस चीज़ से अग्री करते हो तो वो भी आप बता सकते हो। मैं आपसे जल्दी एक नया कंटेंट भी शेयर करूँगा। होप आपको ये कंटेंट पसंद आएगा एंड सब लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।